हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया नोटिफिकेशन निकला है 25/6/2019 को, और इस नोटिफिकेशन के आधार पर जो मैंने आपको अभी दो घंटे पहले बताया था, एमबीसी और जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया था उसके संबंधित जितनी भर्तियां रीओपन होनी है और जितनी भर्तियों में एमबीसी की पोस्टें बढ़ेगी उनका पूरा डिटेलिंग यहाँ पर आ चुका है। टोटल 19 भर्तियां जो 2018 की थी वो यहां पर इफ़ेक्ट हो रही है। 7 भर्तियां ऐसी है जिनमें विभागों द्वारा अर्थना प्राप्त होने पर दोबारा आवेदन प्राप्त करके परीक्षा के आयोजन को करवाया जाएगा। जिनकी परीक्षा हो चुकी थी उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रहा, अब दोबारा आपको आवेदन करना पड़ेगा। और ऐसी 7 भर्तियाँ हैं जो दोबारा होगी। इसमें से मैं आपको बता दूँ, लवण निरीक्षक की जो भर्ती थी उद्योग प्रसार अधिकारी के साथ ही भर्तियां निकली थी, लेकिन उद्योग प्रसार अधिकारी का एग्जाम हो चुका था, इसका नहीं हुआ था, तो दोबारा इसका आवेदन होगा। कनिष्ठ अनुदेशक और ये डीजल मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तमाम भर्तियां निकली थी इसके संबंध में, कनिष्ठ अनुदेशक की 2018 की ये भर्तियाँ जो है इसके लिए आप देख सकते हैं, निम्नलिखित भर्ती संबंधित संशोधित अर्थना प्राप्त होने पर पुनः ऑनलाइन आवेदन करवाया जाएगा। इसी के साथ स्टेनोग्राफर 2018, फार्मासिस्ट सीधी भर्ती, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक सीधी भर्ती 2019 और अन्वेषक सीधी भर्ती 2019, ये तो दोबारा होगी। फिलहाल इसमें क्या लिखा हुआ है ये पूरा डिटेलिंग अपन ले लेते हैं, क्योंकि और भी भर्तियां हैं, 12 ऐसी भर्तियां हैं जिनमें संबंधित विभागों से अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी के लिए विशेषित पदों का सृजन होकर प्राप्त होने के पश्चात इनका परिणाम जारी करने के लिए आगामी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनका परिणाम पहले ही जारी हो चुका है बहुत सी वैकेंसीज का। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके एलडीसी की भर्ती है, इसका परिणाम जारी हो चुका था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनका परिणाम जारी हो चुका था, लेकिन अब दोबारा इनके जो है, जिससे महिला सुपरवाइजर है, अब इनके एमबीसी के क्राइटेरिया वाले पद बढ़ा करके अलग से परिणाम जारी हो सकता है। इसके लिए आगामी कार्रवाई के निर्देश इस नोटिफिकेशन में दे दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को 5% एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक, ये क्रमांक दिया हुआ है 2/2017 दिनांक 23/6/2019 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिन भर्तियों में परीक्षा आयोजित हो चुकी है अथवा परिणाम जारी हो चुका है उनमें सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग को शेष 4% आरक्षण देने के लिए भर्तियां विभाजित पदों का सृजन करवाकर सूचना मंगवाई जावे। यानी कि 1% आरक्षण इनका पहले से था, उसके बाद 4% जो सीटें हैं वो बढ़ा दी जाएगी। ओनली एमबीसी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जो डाला था वीडियो उसमें भी मैंने कहा है, एमबीसी को दोनों ही प्रकार की जो पोस्टें हैं उनमें फ़ायदा मिलेगा, जिनका एग्जाम हो चुका है और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं 10% पद आपको आरक्षित करते हुए संबंधित विभाग से संशोधित अर्थना मंगवाई जाएगी जिनमें एग्जाम नहीं हुआ है। संशोधित अर्थना प्राप्त होने पर उक्त भर्तियों में संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा, अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रक्रियाधीन भर्तियों में उपरोक्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये 7 वो भर्तियां हैं जिसमें दोबारा सब कुछ होगा, सबके लिए होगा, ईडब्ल्यूएस वाले हो या फिर आपका एमबीसी वाले हो या जनरल वाले हो, कोई भी हो, ये वो भर्तियां हैं 12 भर्तियां, इनमें 4% अतिरिक्त आपको जो है सीटें इंक्रीज करवाई जाएगी और फिर इनका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित भर्तियों में संबंधित विभागों से अति पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष अधिकार पदों का सृजन होकर प्राप्त होने पर परिणाम जारी करने के लिए आगामी कार्रवाई की जाएगी। यानी इनका रिजल्ट आ चुका है बहुत सी भर्तियों का, फिर भी इनका रिजल्ट आएगा। ऐसी टोटल कितनी भर्तियाँ हैं, टोटल यहाँ पर है ऐसी 12 भर्तियाँ। सूचना सहायक सीधी भर्ती थी, आर्थिक अन्वेषक सीधी भर्ती थी, महिला सुपरवाइजर सीधी भर्ती थी, कर सहायक सीधी भर्ती थी, पशुधन सहायक सीधी भर्ती थी, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 3 की जो सीधी भर्ती थी पीटीआई की, लिपिक ग्रेड की थी, कनिष्ठ अनुदेशक की जो कोपा के तहत विद्युत फिटर और वेल्डर की सीधी भर्ती थी, प्रयोगशाला सहायक लेबरस्टेंट की थी, कृषि पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती थी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2018 की थी, और महिला पर्यवेक्षक की भर्ती थी, दो बार निकली थी, आंगनबाड़ी में भी निकली थी, एक पूरे निकली थी राजस्थान के लिए, एक कोटा की जो कुछ एक पोस्टें थे उनके लिए निकली थी। तो यहाँ पर इन 12 भर्तियों का रिजल्ट जो है दोबारा आ सकता है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, आरक्षण लगने के बाद बहुत बड़ी ये परिवर्तन एक प्रकार से हुआ है और सरकार ने किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये आज का नोटिफिकेशन था, फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए इसी के साथ, थैंक यू।